श्योपुर में प्रशासन के अवैध कॉलोनियों पर शुरू हुई कार्रवाई। आज एसडीएम लोकेंद्र सरल और नगर पालिका सीएमओ के द्वारा बाईपास पर शिवनगर कॉलोनी के पास से एक अवैध कॉलोनी कॉलोनाइजर के द्वारा काटी गई थी। ऐसी अवैध कॉलोनी शहर के में 70 के करीब है, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करने वाला है। इस प्रकार के अवैध कॉलोनियां कॉलोनाइजर के द्वारा काटकर लोगों को मोटी रकम में प्लॉट बेचते हैं और लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, जबकि वैध कॉलोनी में सीसी रोड, नल की पाइपलाइन, लाइट के पोल, बच्चों को खेलने का गार्डन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मूल लागत में कुछ लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन मोटा मार्जिन कमाने के चक्कर में कॉलोनाइजर ऐसा कुछ भी नहीं करते, जिसके कारण प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर आज एसडीएम लोकेंद्र सरल और सीएमओ के द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण रोक दिया गया और जब हमने एसडीएम से बात करना चाही तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। क्या भाई साहब